नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों माफ़ी चाहेंगे कि कल हम आपको कोई अपडेट नहीं दे पाए क्योंकि हमारी दो तीन सी तबीयत ख़राब है, लेकिन आज इतनी बड़ी अपडेट आई कि हमें वीडियो बनानी पड़ी। शिक्षा मित्रों के लिए आज बड़ी खबर है, तो उस खबर को सुनने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे दूसरा चैनल ब्लॉग विद गोपाल को आप ज़रूर देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें हम अपनी डेली लाइफ की जो भी मोमेंट हैं उनको कैप्चर करके आपके सामने लेके आते हैं, तो आप उसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ जाकर आप चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, इस शिक्षा मित्र से संबंधित जो खबर हम लेके आए हैं वो हम आपको बता देते हैं कि कल हृदेश दुबे जी के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई उसमें उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उच्च अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें AK शर्मा जी शामिल थे। इस नाम को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वही AK शर्मा जी हैं जिनसे महंत श्री राजू दास महाराज जी मिलने लखनऊ गए थे और शिक्षा मित्रों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा इन्होंने की थी। तो वही AK शर्मा जी जब इस मीटिंग में थे तो उन्होंने भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ मीटिंग में मौजूद थे, तो उस बैठक में जब शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई वार्ता हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इससे संबंधित कार्य चल रहा है, ये आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक खबर ये है कि उस बैठक के बाद यानी आज 7 अगस्त को एक बैठक बेसिक शिक्षा विभाग की होने जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के निर्देशानुसार महानिदेशक जी ने पत्र जारी कर ये सूचना सभी को दी है कि इस बैठक में ये लोग शामिल हों। इस मीटिंग में जो बिंदु रखे गए हैं उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहले बिंदु पर ही है जिले के भीतर शिक्षकों का समायोजन होगा, यूनिफॉर्म स्वेटर जूता मोजा बैग एवं DVT पर चर्चा होगी, TET परीक्षा पर चर्चा होगी, टैब फॉर स्कूल हेड्स को लेकर भी चर्चा होगी, मृतक आश्रितों का सेवायोजन और शिक्षकों की प्रोन्नति पर भी बात की जाएगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नई शिक्षा नीति विशेषकर प्री प्राइमरी पर भी चर्चा होगी, बाकी अन्य मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। तो आपने देखा महानिदेशक जी का ये पत्र है जिनमें इन सभी बिंदुओं पर उस बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं भी शिक्षा मित्र से संबंधित कोई भी शीर्षक या बिंदु नहीं है। लेकिन इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि इस संबंध में कोई बैठक में बात नहीं होगी, क्योंकि जब कभी भी प्री प्राइमरी की बात आती है तो शायद शिक्षा मित्र उससे जुड़े रहते हैं, यानी अगर प्री प्राइमरी की बात करेंगे तो शिक्षा मित्रों पर भी बात करनी पड़ेगी। इस संबंध में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि इस बैठक में शिक्षा मित्रों से संबंधित चर्चा हो जाए, और वैसे नीचे अन्य बिंदु दे रखा है, अन्य में तो कोई भी बात की जा सकती है। लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों को इस पत्र को देख के निराशा है कि इतनी बैठक होने के बाद भी थी और एक और बेसिक शिक्षा की बैठक होने के बाद भी शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई भी चर्चा चर्चा नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त इसमें एक खास बात ये भी है कि नई शिक्षा नीति पर बात होने जा रही है, तो हम आपको बताते कि कल ये भी अपडेट मिली कि नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, वो हो जाएगी अप्रैल 2022 से। जी हाँ, अप्रैल 2022 से नई शिक्षा नीति UP में लागू हो जाएगी। उससे पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी होगी, सरकार इसका निर्देश धीरे धीरे देगी, लेकिन ये अब तय हो गया है कि अप्रैल 2022 से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। और जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू होगी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी को रखा जाएगा और उसमें शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सुबह बच्चों को नाश्ता भी कराया जाएगा और दोपहर को MTM की व्यवस्था तो उसमें है ही। बाकी नई शिक्षा नीति के अंदर कितने बदलाव हुए हैं इससे संबंधित आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमने पूरी नई शिक्षा नीति पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ ये भी खबर मिलती है कि ऐसी बात नहीं, नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू हो जाएगी तो शिक्षा मित्रों को दो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, एक टेट पास शिक्षा मित्र, एक नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों को। टेट पास शिक्षा मित्रों को उनके अनुभव के और टेट के सर्टिफिकेट के आधार पर प्री प्राइमरी में ही सहायक अध्यापक बनाते हुए आगे प्रमोट किया जाएगा,
और नॉन टेट शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में एक स्थिर मानदेय या वेतन के साथ वहाँ पर पढ़ाने के लिए अनुमति दी जाएगी। वैसे समग्र शिक्षा अभियान को अब एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है, तो इस बार मामले में भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, समग्र शिक्षा अभियान का भी विस्तार हो गया है। तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों से जुड़ी यही हमारे पास बड़ी अपडेट थी। बस आप हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज होने वाली बैठक में शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई चर्चा होगी या नहीं होगी। ये खबर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।